नहीं देखिए, ये तो हमेशा ही जो चुनाव है कभी भी सर्वसम्मति नहीं होती। चुनाव में विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपने हाथ पांव मारता है, और आज विपक्ष के पास नीतियों के नाते यदि बात करें तो कोई इस प्रकार की उनके उनके पास कहने को बात नहीं है कि विकास के ऊपर वो कहने के ऊपर बात नहीं है, रोजगार देने के ऊपर उनसे कहने की बात नहीं है। आज हमारी सरकार ने हरियाणा की यदि मैं बात करूँ, पिछली तमाम सरकारों से ज़्यादा रोजगार जो है, पक्का रोजगार जो है वो युवाओं को देने का काम किया, और बिना खर्ची पर्ची के देने का काम किया। इसलिए इस प्रकार के विपक्षों के जो इस प्रकार का काम करें उससे कोई हमारे परिणाम पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, मैं पब्लिक से ये जनता से ये अपील करता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस प्रकार से काम किया है, चाहे सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिस प्रकार से इस भारत माता को, इस देश को मजबूत किया है, उसी प्रकार से आगे भी उसको मजबूत करेंगे। और आज 11वें नंबर से 5वें स्थान पर जिस प्रकार से भारत की जीडीपी आई, भारत की आर्थिक स्थिति आई है, आज मोदी जी की गारंटी पर जो है वो आज भारत का नागरिक जो है विश्वास कर रहा है कि जैसा उन्होंने कहा कि अगली बार हम है 5वें स्थान से 3रे स्थान पर जो है हम आने वाले हैं। तो इस प्रकार की गारंटी आज प्रत्येक नागरिक जो है वो मोदी जी के उस पर विश्वास करने को कर रहा है। अभी जैसे हमारी विधानसभाओं के पूरे हरियाणा में इसी प्रकार से लोकसभा अनुसार जो है विधानसभाओं की विजय संकल्प रैलियां हम कर रहे हैं, और हमारे भी जिला में जो है हमारी 3 जो है अभी हमारी विधानसभा की रैलियां हो गई, और अम्बाला कैंट की भी जल्द ही हम उसकी तारीख तय करके उसको भी हम करने का काम करेंगे। और वहाँ पर भी जो हमने कार्यकर्ता उनको सभी को मिलजुल कर जो है वो हम कमल के फूल को जिताने का काम करेंगे। देखिए, आज जिस प्रकार से यदि बड़े हाईवे की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की बात करें, तो उसके रूप में आज पहले कभी इस प्रकार का काम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ, ये पहली बार। और आज इसका लोहा जो है विपक्ष भी मानता है, और जहाँ छोटे मोटे जो हमारी सड़कें हैं उनका भी काम अभी चल रहा है, और वो भी जो है कुछ ही दिनों में जो है उन सब का मुरम्मत करने का काम जो है वो भी हो जाएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो जनता को नहीं आने वाली है। और मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, दोनों सरकारें इतनी संवेदनशील हैं कि ये प्रत्येक नागरिक को उसका हित करना चाहती हैं, हर मुद्दे पर उसको आगे बढ़ाना चाहती है। वो जीत मैं मानता हूँ वो, और जैसे मैंने कहा कि वो जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टियों द्वारा प्रायोजित जो किसान के नाम पर जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं वो ऐसे लोग हैं, और वास्तव में वो किसान नहीं, से उनका कोई संबंध नहीं है। किसानों की यदि बात करें तो इस सरकार ने आज जितना किसानों को जितना सहूलियत दी है, जितना उनको MSP की यदि बात करें, उनकी रेट की बात करें, उनके खाते में पैसे पहुँचाने की बात करें, भावांतर की बात करें, तो किसी सरकार ने इसके आस पास भी नहीं सोचा था जितना इस पार्टी हमारी सरकार ने देने का जो काम किया है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई बैठकें उनकी हुई हैं, और जो संभव है जितनी सहायता उनको हो सकती है उतने उनके साथ वार्ता हुई, लेकिन वो वास्तव में समझौता चाहते ही नहीं। और जैसे मैंने कहा, उनका एजेंडा है केवल मोदी जी को बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के हाथों में वो खेल रहे हैं कि केवल उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खाली किसानों के नाते यदि बात करते वो कब का उनका जो हल हो जाता, और वो किसी प्रकार के, ये विषय भी हमने लिया है, और हमने तमाम सभी जो नए पदाधिकारी, नए कार्यकर्ता अपने बने हैं उनसे हमने ये इस प्रकार का आह्वान किया है कि आप पुराने कार्यकर्ता जो हैं, जिन्होंने उस समय में अपने खून से पसीने से जो है पार्टी को सींचा है, और उस समय के आज उनके प्रति अपने को कृतज्ञ होना चाहिए, और जो नए कार्यकर्ता हैं सबको अपने आसपास जो रहने वाले हैं उनके जाकर मान मनोबल करके उनको मान सम्मान, और उनको कहीं ना कहीं मंच पर या जहां भी जैसे मान सम्मान हम दे सकते हैं उनको मान सम्मान देने का काम करें। और इस तरह की चर्चा भी जो है वो आज हमने की है, और हम अभी अगले 10 दिन में 15 दिन में आपको देखने को मिलेगा कि तमाम पुराने ऐसे कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता मिलकर जो है वो हमारे कमल के फूल के लिए जो है वो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे।